और ये लोग देश में अमन चमन नहीं चाहते हैं। देश में एक व्यवस्था कायम करें, देश हित में काम करें, देश के लिए ही काम करें। आंखों में बहुत ज्यादा लाल हो गई थी, उसके होंठ में चोट लगी है उसके। हम दिल्ली के प्रशांत विहार के उस इलाके में मौजूद है जहां पर सुबह लगभग 11:48 पर एक बम धमाके की खबर मिली थी। एक बार तस्वीरों में आप दिखाइए कि यहां पर यही वो जगह है जहां पर सुबह जो बम धमाके की जो खबर मिली थी, जिसके बाद यहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडो की तमाम जो वो लोग हैं वो यहां पे आए हैं जांच कर रहे हैं। तस्वीरों में आप इधर दिखाइए, एनएसजी कमांडो की टीम है वो जो एकदम बारीकी से जांच कर रही है। और आपको बता दें कि यहां के कुछ लोकल लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि यहां पर उनकी गाड़ियां लगती थी और जब ये धमाका हुआ तो उनके ड्राइवर को भी चोट आई है। कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा है धमाका हुआ था, क्या हुआ था कुछ? आप यहाँ पे पास में रहते हैं, क्या कुछ? देखिए, मेरे ये जो ब्लास्ट हुआ है वो मेरी गाड़ी के पास हुआ है, मेरे ड्राइवर के साथ ही हादसा हुआ है ये। और वो मतलब गाड़ी हमारी खराब हो गई थी तो वो ठीक कराने के चक्कर में मतलब मिस्त्री को लेने गया था। एक दो ड्राइवर है, एक ड्राइवर वो बैठा है, एक चोट लगी आपके ड्राइवर को? चोट आई कहाँ? चोट आई चेहरे पे आई है चोट उसके। क्या लग रहा है, किस तरह से धमाका हुआ? कोई बहुत तेज धमाका हुआ था, मतलब जैसे आग वाला धमाका नहीं था, सब धुआं धुआं था, तो चोट लगी है। हम तो जैसे धमाका सुन के उसके पास आए थे, ड्राइवर के पास। धमाका हुआ, किस तरह का माहौल है अब यहाँ पे? क्योंकि आपके घर से बहुत भीड़ थी काफी देर से, तो अब तो काफी भीड़ चले गए लोग। कितनी देर में यहाँ पे पुलिस और ये पुलिसकर्मी और बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पे आई? 11:30 करीब आ गई थी पुलिस, क्योंकि हम उस लड़के को लेके ना हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि वो ड्राइवर हमारा ही है ना। कहाँ भर्ती करवाया उनको? और पता नहीं पुलिस वाले लेके गए, ये नहीं पता कहाँ पे लेके गए। आंखों में चोट लगी है उनकी? हाँ, आंखों में बहुत ज्यादा लाल हो गई थी, उसके होंठ में चोट लगी है उसकी। हाँ, आप भी इधर ही रहते हैं, जब ये धमाका हुआ किस तरह का माहौल था? एक्चुअली क्या कि जिस समय हादसा हुआ मैं चला गया था बैंक में, बैंक से जा करके मैं पास बस का पास बनवाया और वहाँ मेरे पोते ने फोन किया कि बाबा प्रशांत विहार में ऐसे बम का घटना घटी है और आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं बस का पास बनवा रहा हूँ। इसके बाद हम आए, हमारे मीडिया कर्मी हमारे साथी थे, हम लोग दोस्त थे, वहाँ चाय पानी पिया हमने, सब पकौड़े छकोड़े खाए। खाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं तो हमें यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था। एक्चुअली क्या, मैं अभी यहाँ आया हूँ और ये जो घटना घटी है, आप ये मान के चलिए कि कुछ महीने पहले ही इसी रोड के सामने बिल्कुल सीआरपीएफ के स्कूल के सामने भी घटना घटी थी और आज ये घटना घटी हमारे घर के साथ 2-3 मकान छोड़ करके, और हमारे जो साथी हैं, हमारी बेटी है ये, उसी के ड्राइवर के लिए के साथ घटना घटी है। और ये घटना जो है देश में अशांति फैलाने के लिए देशद्रोहियों का काम है, आतंकवादियों का काम है, और ये लोग देश में अमन चमन नहीं चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ भारत सरकार से और दिल्ली सरकार सभी लोग मिल करके ये वोट की राजनीति छोड़ करके देश में एक व्यवस्था कायम करें, देश हित में काम करें, देश के लिए ही काम करें। और इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ है, स्तंभ चौथे स्तंभ होने के नाते ये सारे मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि देश में चौथा स्तंभ अगर मजबूत होगा तो नेचुरली ये मान के चलिए कि सिस्टम में पार्टी नहीं है और संविधान में पार्टी नहीं है और ये जो बोर्ड की रहने थोड़ी वो बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए, बंद। तो देखिए स्थानीय ये लोग हैं यहाँ से जहाँ पे धमाका हुआ, वहाँ से मात्र 10 मीटर की दूरी पे इनका घर है और किस तरह से इस इलाके में अब दहशत का माहौल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 11:48 पर यह धमाका हुआ था, जो इनका ड्राइवर था उनको भी चोटें आई है जिसको पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। देखिए इस इलाके के लोग जब ये धमाका हुआ था इस इलाके के लोग पूरे यहाँ से घरों से बाहर निकल गए थे। हालांकि जब यहाँ पे इनको जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी, एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ के जो तमाम जो बटालियन है वो यहाँ पे भेज दी गई। अब इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो टेपिंग है उसके जरिए पूरा पैक कर दिया गया है। अब माहौल है काफी गंभीर है और लगातार पुलिस जांच कर रही है, एनएसजी कमांडो है वो एकदम गहराई से जांच कर रही है। एक बार थोड़ा आगे आइए, मैं आगे से भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अभी लगभग 11:48 की घटना बताई जा रही है और जो फॉरेंसिक टीम है वो एनएसजी कमांडो है वो पूरे जो यहाँ का जो माहौल है उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से देखिए जांच की जा रही है। एनएसजी कमांडो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे वो है, फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पे जांच कर रही है क्योंकि धमाका बताया जा रहा है इतना तेज था कि जो लोगों को घरों से निकल गए थे और उसके बाद अब यहाँ पर पूरा जांच कर रही है पुलिस और एकदम बारीकी से जांचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों बाद
यहाँ से अगर बात करें 400 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ का स्कूल है, वहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही धमाका हुआ था जहाँ पर सफेद पाउडर मौके से मिला था, यहाँ पे भी ठीक इसी तरह का धमाका है। तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है और इसकी पुलिस एकदम गहन तरीके से जाँच कर रही है। और तो पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है और जांच में जुटी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जब ये धमाका हुआ था तो इलाके के लोग थे यहाँ पे, जो अभी स्थानीय लोगों ने आपने सुना होगा कि जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनके यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी और जो ड्राइवर है उनको भी चोटें आई है, फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।